नमस्कार, मैं हूँ श्यामला। श्यामलास किचन सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं बीटरूट का रायता बनाने वाली हूँ। आपको इसके रंग से ही पता चल रहा होगा ये कितना क्रीमी और कलरफुल दिख रहा है। बीटरूट का रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बीट लिया है, तो मैं यहाँ पर पूरे बीट का इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ग्रेट करके रायते में मिक्स करते जाऊंगी। मैंने यहाँ पे 125 ग्राम कर्ड लिया है। कर्ड को अच्छे से फेट के लेते हैं। यहाँ पर दो मीडियम साइज के प्याज काट के रखा था, वो ऐड कर रही हूँ। और एक ककुम्बर यानी कि कटा हुआ ककड़ी को भी इसमें ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ मैंने यहाँ पर एक चम्मच शुगर लिया था, वो भी ऐड कर लूँगी। आधा चम्मच नमक भी ऐड कर लेते हैं। मैं अभी इसे हल्के हाथों से मिक्स कर रही हूँ, हमें ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे बीट को काट के ग्रेट करके ले लूँगी। मैं पहले थोड़ा बीट का इस्तेमाल करूँगी और ज़रूरत पड़े तो और थोड़ा बीट ग्रेट करके डाल दूँगी। मैं पहले इतने ही बीट को ग्रेट करके डालूँगी। तो पहले इसके ऊपर का छिलका निकालूँगी। मेरे पास इस तरीके का ग्रेटर है, जो मीडियम साइज का है, मैं उसी से ग्रेट करके ले रही हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे ग्रेट करके लिया है। अभी इसे रायते में ऐड कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिला लेते हैं। मुझे रायते का कलर ठीक ठाक नहीं लग रहा है, मैं इसमें और थोड़ा बीट ग्रेट करके डालूंगी। बस मुझे लग रहा है शायद इतने में हो जाएगा। चलिए अब इसे मिक्स कर लेते हैं। देखिए, अभी कलर अच्छा दिख रहा है। अभी बीटरूट के रायते को अच्छा कलर आने लगा है। देखिए कितना क्रीमी दिख रहा है। अभी मैं फाइनली कटे हुए धनिया के पत्ते को ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था हमें। तो चलिए, बीटरूट का रायता रेडी हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।